अगली खबर बताते हैं। मॉनसून का सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में बारिश ने लोगों की मुश्किलें अभी फिलहाल बढ़ा रखी हैं। मुंबई से लेकर पुणे तक हर जगह पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। अभी तस्वीरें देखिए। अक्टूबर का महीना भी आधा बीतने को है, लेकिन महाराष्ट्र में मानसून अभी भी अपना पूरा असर दिखा रहा है। मुंबई से लेकर पुणे तक बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश के बाद जलभराव से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं के साथ बारिश ने कई जगहों पर मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। गाड़ियों के टायर पानी में डूबे दिखे। मोटरसाइकिल से चलने वाले लोगों के लिए भी काफी दिक्कतें खड़ी हो गईं। मुंबई के परेल इलाके में तो तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का ऐसा कहर दिखा कि मानो कोई तूफान आया हो। पैदल चलने वाले लोग भी घंटों बारिश और तेज रफ्तार हवाओं के चलते जहां तहां फंसे रहे। मुंबई के वडाला इलाके का हाल भी देख लीजिए। तेज बरसात के चलते सड़कों पर ट्रैफिक काफी कम हो गया है। मुंबई के एल्फिंस्टन रोड का हाल भी देखिए। बारिश इतनी ज्यादा हो चुकी है कि पूरी सड़क पर पानी का कब्जा है। टू व्हीलर इसी पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं, तो वहीं रोजमर्रा का सामान लेने वाले लोग भी पैदल ही इस पानी के बीच से होकर गुजरने को मजबूर हैं। ठाणे और पुणे के कुछ हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियां तेजी में भागती दिखीं। ठाणे के कई इलाकों में जल भराव भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 29 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से मुंबई के पूर्वी उपनगरों नवी मुंबई और रायगढ़ जिलों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। तो वहीं ठाणे, कुर्ला, घाटकोपर, दादर, वर्ली, अंधेरी, बांद्रा समेत बोरीवली में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।